प्रोफेसर, आई एम द प्रोफेसर ऑफ द केमिस्ट्री। इन दिनों तर्पण और पिंडदान जरूर करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड रेजोनेटिंग पावर, दैट इज कॉल्ड एज द गॉड। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या की, जो कि अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में आता है। 15 दिन का ये होता है पितृमोक्ष, जो अमावस्या का जो कालावधि है इसमें जो सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है ये आखिरी दिन में आता है। इसको हम लोग महालय अमावस्या भी कह सकते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि सर्व पितृमोक्ष अमावस्या क्या है, उसकी पूजा किस तरीके से की जाती है, उसके क्या फ़ायदे होते, ये सारी जानकारी मैं आपको आज देने की कोशिश करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं सबसे पहले कि मैं कोई पंडित या ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं आप लोगों की तरह एक बस सामान्य सा एक व्यक्ति हूँ। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, आई एम द प्रोफेसर ऑफ द केमिस्ट्री। तो मैं जिस तरीके से सेलिब्रेट करने वाला हूँ, मुझे जो थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ आपके अपने YouTube चैनल, जिसको आप बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हो। आप लोग एक पहले ही वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया है माय होम एंड माय लाइफ में। मेरा घर कैसा है, मेरी लाइफ कैसी है, उससे अगर आपको थोड़ा भी इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि मैं जो है जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उस पर करता हूँ, ज़रूरी माना। बहुत सी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन आगे बताने वाला हूँ कि सेहत के लिए, आगे अच्छे रहने के लिए क्या ज़रूरी है, इनके मायने क्या है। इसके साथ साथ मैं आपको आगे इस चैनल में ये भी बताने वाला हूँ कि हेल्दी चीज़ें कौन सी है, अनहेल्दी चीज़ें कौन सी हैं। आप हर जगह से सुनते होंगे, बट एक अप्रोच अलग। जैसे आपको पता होगा गॉड, सभी को पता है गॉड, कोई कहते हैं कि यस देयर इज़ अ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान होते हैं नहीं होते हैं। बट मैं मानता हूँ कि हाँ होते हैं, बट उसको एक्सप्लेन किस तरीके से करता हूँ मैं, इट इज़ द सुप्रीम कॉन्सेंट्रेटेड रेजोनेटिंग पावर, दैट इज़ कॉल्ड एज द गॉड। मेरा मानना दोस्तों ये है कि जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिनको कुछ भी नहीं पता, वो कहेंगे हाँ भगवान है एक शक, मतलब भगवान है वो इस तरीके से होते हैं, दैट इज़ अंधविश्वास। कुछ भी नहीं उनको पता, हाँ है सभी ने कहता है इसलिए भगवान है। बट जो कुछ पढ़े लिखे हैं, मान के चले कि 10th 12th या फिर और कुछ ग्रेजुएशन हो गया वगैरह, तो वो बोलेंगे नहीं ये सारी चीज़ें अंधश्रद्धा है। शायद हर कोई नहीं, कुछ कोई लोग बोल सकते हैं कि हाँ अंधश्रद्धा है, बट ये मैं मानता हूँ जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, वो एक्चुअली व्हाट इज़ द सुप्रीम पावर, गॉड भगवान अल्लाह क्या है, कि उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा और वो मानेगा हाँ सच में है। तो इन सारी चीज़ों में बाबा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहे इस चैनल के साथ। अगर वीडियो को पसंद आए तो शेयर और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। दोस्तों ये जो पितृपक्ष का कालावधि होता है वो 15 डेज का होता है, 15 दिन का होता है, और उसका जो आखिरी दिन होता है उसको हम सर्व पितृमोक्ष अमावस्या कहते हैं। उस दिन अगर आपको एग्जैक्टली आपको डेट पता नहीं है किस दिन मतलब वो स्वर्गवासी हुए हैं हमारे एंसेस्टर या जो भी है, तो हम सभी को उस दिन क्या कर सकते हैं, हम उस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं, श्रद्धा से उनकी पूजा कर सकते हैं। इन दिनों तर्पण और पिंडदान ज़रूर करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि हमारे जो पितृ होते हैं वो इन्हीं 15 दिनों के लिए हम धरती पर पधारते हैं, और हम जो भी उनके लिए श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका वो स्वीकार करते हैं। अगर आप अपने पितरों का जो भी अंत समय था या फिर जो भी स्वर्गवासी होने की तिथि थी अगर आप भूल चुके हो, तो आप इस जो आखिरी 15वां दिन जो है मतलब सर्व पितृमोक्ष अमावस्या, उस दिन आप लोग श्रद्धा से दान पुण्य पिंडदान ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इस बार सर्व पितृमोक्ष अमावस्या 25 सितंबर को आ रहा है। ये प्रातःकाल 3:12 से शुरू होकर 3:30 में ख़त्म हो रहा है। कुटुब मुहूर्त की जो कि 11:48 से 12:37 तक आ रहा है। उसके बाद है रोहिणी मुहूर्त जो कि 12:37 से लेकर 1:25 तक आ रहा है, और उसके बाद है अपराह्न काल जो कि 1:25 से लेकर 3:50 तक आ रहा है। अब बात करें इसमें हमें करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले एक मतलब सुबह काल में जो है सुबह जितने जल्दी हो सकता है उठकर आप स्नान आदि कर सारे कार्य कर आप जगह को पवित्र कर लीजिए। दक्षिण दिशा में जो है अपने पितरों के जो भी आप फोटोज़ है या और कुछ है जो भी है, आप उसको दक्षिण दिशा में स्थापित कर दीजिएगा। उनके पसंद का भोजन अवश्य बनाइएगा, खीर उसमें बिल्कुल होना चाहिए। घर में जो भी आपके बुज़ुर्ग है वो ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो अच्छा हो, जो भी रिचुअल्स है फॉलो करें, अदरवाइज़ आप
श्रद्धा से जो भी छोटा बेटा या मझला है और कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, श्रद्धा सबसे बड़ी बात। इस दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दान पुण्य का जो भी है आप जितना कर सकते करना चाहिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि श्रद्धा सबसे बड़ी बात है, भूल चूक होती है वो बड़ी बात नहीं है। अगर आप सबसे, मैं तो ये करने वाला हूँ कि दोस्तों कि ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण ऐसा नहीं बोलूँगा, ब्राह्मण मिलते इट्स ओके, बट ब्राह्मण नहीं मिले तो मैं छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं बस उनको तो मैं खिलाने वाला हूँ, उनको जो मिष्ठान्न खिलाने वाला हूँ, साथ में अच्छा सा भोजन कराऊँगा, एक दो चॉकलेट दे दूँगा, हाथ में 5 रुपया 10 रुपये दे दूँगा, वो बड़े खुश हो जाएंगे। आपको, मुझे तो लगता है कि आपको ब्राह्मण भोज का अवश्य पुण्य मिलेगा इसमें। दोस्तों आपने जो भी खाना बनाया है उसके आप 6 हिस्से कर लीजिए, ब्राह्मण या फिर जो भी आप बालकों को भोज करवाने वाले वो एक हिस्सा, देवता, गाय, चींटी, कुत्ता और कौवे के लिए एक हिस्सा, इस तरीके से आपको अलग अलग हिस्सों का क्या करना, दान करना है, बांट देना है। पूजा में एक बात का खास आपको ख्याल रखना है, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा काले तिल, कुश और दुर्वा, इसका आपको तर्पण ज़रूर करना है, गंगा जल और कच्चा दूध तो उसमें होना ही चाहिए। और बार बार जो मैं आपको बता रहा हूँ, श्राद्ध सबसे बढ़ करे, इसके बावजूद भी अगर आपको याद रहता है तो एक मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र का पाठ आपको ज़रूर करना है। ओम पितृगणाय विद्महे जगधारणीय धीमहे तन्नो पितरो प्रचोदयात्। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, देखिए, ओम पितृगणाय विद्महे जगधारणीय धीमहे तनो पितरो प्रचोदयात्। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, मैं इस तरीके से करने वाला हूँ, आई एम नॉट द एनी एक्सपर्ट, मैं कोई ब्राह्मण या पंडित नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस तरीके से करने वाला हूँ। साइंटिफिकली मैं चीज़ों को किस तरीके से समझता हूँ मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा दोस्तों कि ये जो हम कहते हैं पाप पुण्य वो क्या होता है, मैं साइंटिफिकली सोचता हूँ, मेरे जो भी मैंने पढ़ाई की है, मैंने 6-7 डिग्रियाँ ली है, एम द प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, वॉट आई नो अबाउट दैट ऑल द थिंग्स। तो जैसे मैंने एक अच्छी किताब पढ़ी है, आपको भी सजेस्ट करूँगा, एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्माज, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का, आप उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा पाप पुण्य क्या चीज़ है। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द हिडन इंस्क्रिप्शन, हमारे बॉडी से स्टार्ट होता है। हम कहीं मंदिर में जाए अगर दूर से प्रार्थना करते तो वो फल प्राप्ति होती है, बट अगर मंदिर में गए और हमारा ध्यान कहीं और है तो वो फल हमें नहीं मिलता है। दोस्तों ऐसे कई सारी बातें हैं, ऐसे बातों के साथ मैं आपको बीच बीच में मिलता रहूँगा माई होम माई लाइफ में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, खुश रहिए, प्रभु का आशीर्वाद आप पे बना रहे, मिलते हैं।